नमस्कार, पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रज्ञा। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी 18 जुलाई और रविवार का दिन है। देश और दुनिया की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं उन खबरों की जो रही सुर्खियों में। राजस्थान के बीकानेर में कुंभलगढ़ की 36 किलोमीटर ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया से भी लंबी दीवार बनाई जा रही है। इसकी लंबाई 40 किलोमीटर होगी। 27,000 बीघा जमीन, 3 लाख पेड़, 4,000 गायें, 1,000 नील गाय, 5,000 हिरण, 4,000 खरगोश और अनगिनत सांप और चूहों की सुरक्षा के लिए ये 9 इंच मोटी दीवार बनाई जा रही है। इसे बनाने में करीब 70 लाख ईंटें इस्तेमाल होंगी। पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सुलह का रास्ता तय हो गया है। कांग्रेस आलाकमान ने इसके लिए 4 सूत्रीय फॉर्मूला तैयार किया है। इसके तहत सिद्धू पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे। उनके साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। इनके नाम अमरिंदर तय करेंगे। कैबिनेट में फेरबदल में भी कैप्टन को फ्री हैंड मिलेगा। इसमें किसी का दखल नहीं रहेगा। मतलब साफ है, पंजाब कांग्रेस में कैप्टन ही सरदार रहेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मनमुटाव जारी है। इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों ने अकेले में करीब 1 घंटे तक बातचीत की। इस मुलाकात की असल वजह सामने नहीं आई है। हालांकि एनसीपी नेता नवाब मलिक का कहना है कि नदी के 2 छोर कभी नहीं मिल सकते। भाजपा और एनसीपी का एक साथ आना असंभव है। कोरोना वैक्सीन सबसे खतरनाक और तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट पर असरदार है। डेल्टा वेरिएंट से होने वाली मौतों से वैक्सीन 99% तक सुरक्षा मुहैया कराती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की स्टडी में ये जानकारी सामने आई है। इससे पता चला है कि वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित होने वाले 9.8% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी, जबकि सिर्फ 0.4% संक्रमितों की मौत हुई। तालिबान ने शुक्रवार को दुख जताया। उसकी प्रतिक्रिया अफगानिस्तान के कंधार में हुई भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत पर आई है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि सिद्दीकी की मौत का हमें दुख है। हम इस बात से दुखी हैं कि पत्रकार हमें बिना बताए युद्धग्रस्त इलाके में आ रहे हैं। अगर वे हमें अपने आने की जानकारी देते हैं तो हम उनकी पूरी देखभाल करेंगे। ये तो थी प्रमुख खबरें। अब फटाफट कुछ हेडलाइंस भी सुन लीजिए। इस्तीफे के अटकलों के बीच कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने नड्डा और शाह से मुलाकात की। एक दिन पहले मोदी से मिले थे। भारतीय नौसेना के बेड़े में 2MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर शामिल। हर मौसम में ऑपरेशन की क्षमता इसे खतरनाक बनाती है। सीएम योगी के 152 विधायकों के 2 से ज्यादा बच्चे। यूपी सरकार के जो मंत्री 2 बच्चों का कानून लाएंगे उनके 6 से 8 तक बच्चे। चलिए अब बताते हैं कि आज किन इवेंट्स पर रहेगी हमारी नजर। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच प्रेम दासा स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। संसद सत्र को देखते हुए दिल्ली पुलिस और किसान बैठक करेंगे। इसमें प्रदर्शन की जगह बदलने पर बात होगी। देश भर के कुछ प्रमुख शहरों में कैसा रहेगा आज मौसम बताते हैं। जयपुर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहेगा। यहाँ रुक रुक कर बारिश के आसार है। भोपाल में अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा। यहां गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। रायपुर में अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा और यहां गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। रांची में अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहेगा और यहां गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती हैं। पटना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा, यहां बादल और रिमझिम बारिश के आसार हैं। लखनऊ में अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहेगा, यहां बादल रहेंगे और बौछारें गिर सकती हैं। शिमला में अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहेगा, गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा, यहां बादलों के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा, यहां बादल और तेज बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा, यहां बादल और हल्की बारिश के आसार हैं। मुंबई में अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा, यहां बादल और रुक रुक कर बारिश हो सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इतिहास में आज के दिन क्या हुआ। आज ही के दिन साल 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया था। इसी एक्ट में भारत को आजाद करने और एक नया देश पाकिस्तान को बनाने का जिक्र था। इस एक्ट के पास होने के 28 दिन बाद
15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। इससे करीब 6 महीने पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को आजाद करने का ऐलान किया था। इसका प्लान बनाने की जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन को दी गई थी। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आपके लिए आज का विचार। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का कहना है, अगर आप सच्चे लीडर हैं, तो आपको सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरों की कामयाबी पर भी ध्यान देना जरूरी है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।